हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। मोशन ब्लॉगर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं न्यू ट्रिप में। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये तो नींदों में नहीं है, मैं नींदों में हूँ, क्योंकि अभी ये जो टिकट है ना, ये लोकल टिकट है। ये भिलवाड़ा से हमारे सिटी से अजमेर तक की ये टिकट है। तो अभी मैं सो रहा था क्योंकि उस ट्रेन में हम सो ही नहीं सकते, सीट ही नहीं मिलेगी, बस बैठे बैठे जाना पड़ेगा, वो भी चार पाँच घंटे लग जाएगा उसके अंदर भी। तो समझ सकते हो कि 4-5 घंटे तो रात तक सो ही नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद एक और टिकट है, रुको। अरे ये टिकट है अजमेर से DDU दीनदयाल उपाध्याय की, और उसे मुगल सराय भी बोलते हैं, पहले बोलते थे, अब उस स्टेशन का नाम चेंज कर दिया, अब उस स्टेशन का नाम हो गया दीनदयाल उपाध्याय। तो ये वहाँ तक की ट्रेन की टिकट है। तो आज हम जा रहे हैं नेपाल, नेपाल की ट्रिप। तो यहाँ से हम जाएंगे पहले अजमेर से जाएंगे DDU से जाएंगे पटना से जाएंगे रक्सौल, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है, मतलब वो बिहार के अंदर आता है, बिहार स्टेट के अंदर वो विलेज आता है। तो वो लास्ट इंडिया का विलेज है रक्सौल। फिर रक्सौल वैसे विलेज नहीं है, एक छोटा सा सिटी है, जैसे हमारे भिलवाड़ा सिटी है वैसे ही वो रक्सौल सिटी है। तो वहाँ पे उतर के फिर उसके बाद हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे। बॉर्डर क्रॉस करने के लिए कुछ ही नहीं है वहाँ पे, बस आधार कार्ड रहेगा, आधार कार्ड से इंडियन कुल मिलाकर इंडियन आईडी प्रूफ होना चाहिए, नेशनल आईडी प्रूफ, तो वो दिखाओ, फिर उसके बाद बाहर जाओ। फिर एक 500 रुपये का परमिट बनाना पड़ता है खुद का, फिर वो बनवा लो, फिर रिचार्ज करवाना है तो रिचार्ज करवा लो, फिर उसके बाद आगे जाओगे थोड़ा सा, मतलब बॉर्डर क्रॉस करके आगे जाओगे तो बस मिल जाएगी, बस से डायरेक्ट काठमांडू जाएंगे, फिर वहाँ पे घूमेंगे, फिर आपको उसके बाद का ट्रिप तो उसके बाद ही दिखाएंगे। तो चलो अभी चलते हैं पहले रेलवे स्टेशन, फिर उसके बाद बात करते हैं। गाइज, ये आप लोगों को लग रहा है होगा कि ये क्या है, ये है मकोड़ा, ये है स्पाइडरमैन का खोज। तो गाइज हमारी ट्रेन लेट हो चुकी है पूरा 1 घंटा। हम आ चुके हैं स्टेशन पे। तो जब कोई आदमी ठला होता है तो ये करता है, देख लिया हमारा पूरा फाती दिमाग, बस और बचा है 25 मिनट। तो अभी हम जाएंगे और स्टेशन में बैठेंगे, ट्रेन में बैठेंगे। ये क्या बात करता है यार, ट्रेन में ऐसे ही ज़्यादा टाइम लगेगा, वो ज़्यादा पैसे लेंगे, फिर मैं बाहर से जाकर पे करा लेता हूँ। वाह, मैं तो जा रहा हूँ बाहर खाना पे कराने। तो गाइस अभी तक भी आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, लाइक करो, नए ट्रिप पे जा रहे हैं, अच्छा लगेगा, लाइक करो। अब मैं भी चलता हूँ, और आप लोगों ने लाइक नहीं किया अब तक। देखो हम नेपाल जा रहे हैं, नेपाल जैसी तो ना ज़्यादा सब्सक्राइबर है, ना हमारी इतनी फैसिलिटी है, फिर भी हम नेपाल जा रहे हैं। सोचो अगर आप सपोर्ट करते हो तो हम कहाँ जाएंगे। तो चलो अभी चलते हैं। अभी ये जो सीढ़ी आप देख सकते हो, ये स्टेशन का ब्रिज है, और ये सीढ़ियाँ जो स्टेशन के बाहर जा रही है बाहर जाती है। और रवि अभी खाना पैक करवाने गया, क्योंकि ट्रेन में पता नहीं कैसा खाना मिलेगा, और वैसे भी ट्रेन में बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है खाना। तो अभी वो गया, तो मैं भी उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। तो अब हम आपको मिलते हैं सीधा ट्रेन में, चलिए फिर आपको। हे गाइस, तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, कि पहले अचानक रात थी और अभी दिन कैसे हो गया, और मैं स्टेशन पे था और मैं कहाँ पे आ गया अचानक।
तो अचानक वो क्या हुआ था कि जब मैं नीचे उतरा था और जो मेरा दोस्त है रवि वो खाना लेने गया था, तो मैंने अचानक देखा कि उसका एक बाइक वाले ने उसको ठोक दिया है, पता नहीं उसको गिरा के चला गया था, उसके पैर में बहुत ज़्यादा लगी है। तो अभी मैं उसके घर पर आया हूँ, इसके अगले दिन ये आज अगले दिन है, मतलब कल वो होता और आज अगला दिन है। तो अभी इसके घर पर आया और मैं नीचे आया तो देखो उसकी मम्मी से मैंने पूछा है, अभी इसकी मम्मी चली गई है, उसकी मम्मी से मैंने पूछा तो काय को छत पे, और देखो वो रहा बहुत दूर वहाँ जाके बैठा है, दिख भी नहीं रहा होगा, अभी उजाला बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। अब दिखाते हैं आपको, पैर में लगी है लेकिन नहीं मोबाइल चलाना है, देखो वॉच टूटा हुआ पैर, वॉच और मोबाइल में देखो एंजल प्रिया से बातें कर रहा है। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। एंजल प्रिया जरूरी है, कुछ तो होना चाहिए, अब बैठे बैठे क्या करें, ना तो ब्लॉगिंग कर सकते हैं ना कुछ कर सकते, तो एंजल प्रिया मिले या एंजल परा मिले किसी से तो बात करना ही है। तो गाइज ये ट्रिप बहुत महंगा पड़ गया। महंगा तो क्या है, देखो कितना महंगा है, हमारा पैर ही इतना महंगा है। तो क्या हुआ कि लास्ट में वो खाना लेने गया था मैं, और जैसे ही रोड ऐसे क्रॉस ही कर रहा था तो मैंने पहले देखा इधर उधर, और रात के टाइम में इतना क्या ही, उन दो जने बैठे थे बाइक पे, एक पीछे बैठा था एक आगे बैठा था जो चला रहा था, फिर ऐसे वो ठोकर गया ना, तो मैं नीचे मतलब नीचे जैसे ही गिरा तो उसके पीछे वाला जो टायर है वो मेरे इस पे चढ़ गया। अच्छा हुआ कि कोई भारी गाड़ी नहीं थी और वो ज़्यादा मोटे मोटे नहीं थे, नहीं तो फिर तो हड्डी अलग अलग, फिर तो ऐसे बैठने की जगह पे मैं यूं लेटा हुआ होता अभी हॉस्पिटल में होता, और प्लास्टर यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ होता। तो अभी वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा नहीं लगी है, ऐसा उन्होंने कहा कि मोच वोच आ गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 दिन लगेगा। इसका कॉल आया तो मैंने कहा कि भैया जा ऊपर ही हूँ मैं, तो सोच रहे थे अभी देखो। वैसे हमारे ये सिटी के अंदर एक मेला लगता है, तेजा जी का मेला है ना, तेजा जी का मेला लगता है, पूरे एक साल में एक बार ही लगता है, वो 3 दिन के लिए लगता है, वो कल से लगा हुआ है, लेकिन मेरा पैर टूटा हुआ है इधर, मतलब मोच आ गई है मेरे पैर में, तो जा ही नहीं पा रहे। अब कल का लास्ट दिन है, अब देखते हैं, कोशिश करेंगे, बाइक लेंगे, ये चला लेगा और क्या है, मैं तो चला ही नहीं पाऊँगा, वैसे ही बैठ कर जाएंगे, ब्लॉगिंग करेंगे, दिखाएंगे आप लोगों को। गाइस इतना बड़ा देखो लॉस हो गया है, हमारी ट्रिप का पूरा सत्यानाश हो गया। नेपाल जा रहे थे, यहाँ से आपको बताइए कि कहाँ कहाँ का हमने टिकट लिया था, वो सारा का सारा कैंसिल कराना पड़ा। और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, और 50 तक गिनती याद करके आना।